बड़ा सकती मैं आप बीमार बना में शुगर दी मरीज हाँ मैं तो दुआ करे सा बिना तो असी तो आदि ते मेरा मकान कौन ही ना कुछ चार दीवारी मेरी तो ना लैटरीन है मेरिया जवान मान धीन मैं किसी पास नहीं भेज सकती रेत दूध ते मेरा देरा लगा है खाने मेरे रेत पै वी मैं ढी गरीब हाँ मेरे ये तमाम कर सको तो सा कोई हाल कह नहीं मैं आप बीमार है मैं नहीं मेरे जवान मान धीन कोठियां दे बनी उन काम करन की ते आप दी मेहरबानी है सी दुआ करे सा जे मेरा मकान बन वे सी मेरे बच्चे की खुश थी सन समसन नादरीन देखें इनका ये पानी दवा सेल ये पानी भर के लेते हैं लोगों के घरों से जाके ये बाबा जी भी नहीं उठा सकते हैं ना तो ये माँ जी उठा सकती है ये बच्चियाँ जाती हैं भर के ले आती हैं लोगों के घरों से अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी ले आती हैं वहाँ से और इनकी जो बाहर की सूरत है हमने आपको वो भी हम शेयर करते हैं ये जनाब रेत खुली और खुले आसमान के नीचे बैठे हैं ये देखें जी आप कितनी बेबसी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अल्लाह रहम फरमाए इस ख़ानदान के ऊपर फजल करे बहुत मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये चारों तरफ हर लोगों के अपने अपने यहाँ घर हैं ठीक है जी ये देखें हर किसी के अपने अपने घर हैं यहाँ पर और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ इस साइड पे भी कोई छबादी है तो ये भी हर किसी के अपने अपने घर है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं नाज़रीन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ मुख्तसर बात के मैं यहाँ सर मेरा ऊपर नहीं हो रहा ठीक है जी ये ऊपर लग रही है और ये पानी है इनका मैं उस पर नहीं बैठने चाहता यहाँ ज़रा आसरा कर लेता हूँ इस खानदान के पास जिसके पास मौजूद हो दिल खून के आंसर होते हैं यकीन जाने कितनी बेबसी इस खानदान की जो हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं ये जानते हैं ये अल्लाह जानते हैं हम भी इस बात को गौर फिक्र कर रहे हैं कि कितनी मुश्किल इस ख़ानदान के लिए कि दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते खाने के लिए नहीं है और घर तो दूर की बात तीन बेटियां इनकी जवान हैं रिश्ते उनके करने हैं इन्होंने वो शादियां तो दूर की बात है कि घर भी नहीं है अपना ठिकाना नहीं है तो ये बेटियाँ कैसे रुखसत करें इन लोगों के लिए सपोर्ट करनी है आप लोगों ने भरपूर तरीके से मजीद इनकी सोच कर हम आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन मैं इनकी सूरत आपसे शेयर करता मुझे बाबा जी से पूछते हैं माँ जी से अपने अम्मा जी जो आपको दुबाना दी आप बताएं। हाँ मेरा तो घर का मकान ही कौन ही तो ना मेरी पानी का वसेल ना कोई चार दीवारी है मिट्टी दूते में बैठी है रेत है सारी मेरी जवान अमान धिया है मैं ना धियाँ तो कुछ बढ़ा सकती है ना कुछ मैं आप बीमार बनाऊँ मैं शुगर की मरीज हाँ मैं आप ना बेटियाँ की कुछ बढ़ा सकती है लोगों का घर जाने पानी बन लोग गालियाँ देते हैं शर्म आती है तो मैं कोई काम नहीं कर सकती मेरा आदमी है ना टूटियाँ जूतियाँ बनाता है। नाज़रीन इनका कहना यह है कि जो बुज़ुर्ग बैठे हैं इनके शौहर ये जूतों का काम करता है सिलाई वो भी इतना काम नहीं मिलता हमें मालूम है अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन में दो चार या दस मिल जाए बड़ी बात है वो भी 30 रुपए जूती के ऊपर लेते हैं जो 50 रुपए मिल जाते हैं 200-300 किसी दिन काम मिला ना मिला धूप के अंदर बैठना वहाँ किसी के ठीक आ गए तो कितनी मुश्किल होती है आप देखें मेरे चेहरे पे कितना पसीना आ रहा है कितनी दुख की बात है इस ख़ानदान के लिए कितनी मुश्किल की यहाँ जब खाना बनाते हैं रेत खाने में पड़ जाती है सारी यहाँ मिट्टी है अल्लाह रहम फरमाए इस ख़ानदान के ऊपर फजल करें यहाँ इनको मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इन्हें फौरी तौर पर एक रूम जिस जगह बैठे ये प्लाट इनका अपना ही है एक रूम चाहिए चार दीवारी चाहिए और कम से कम खाली किचन और वाशरूम और हैंडपम्प ये लग जाए कम से कम चलो तहफ़ के साथ ये बेटियाँ और ये बहन वालदा ये बुज़ुर्ग तहफ़ के साथ रह सके और ये ख़ानदान दवाई देता रहेगा और इस वीडियो को आप लोगों ने सबके जारी समझ कर शेयर ज़रूर करना है ताकि अगर आपसे सपोर्ट नहीं होती कोई और देखकर सपोर्ट कर देगा तो इनका भला हो जाएगा आपको ये ख़ानदान भी दुआ देगा हम भी दुआ देते रहेंगे। बाकी यहाँ कहने को बहुत खुशी है ज़्यादा चाहते हैं बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखिएगा अस्सलाम वालेकुम।